हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम्स कंप्यूटरलॉजी। मैं आपका टीचर मोहसिन, और इस चैनल पर मैं लेकर के आता रहता हूँ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़ी ढेर सारी टिप्स एंड ट्रिक्स। और अगर आप नए हैं इस चैनल पर हमारे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहेगी। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के हम पहले भी वीडियो रिकॉर्ड कर चुके हैं, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर के आप उन वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में सब कुछ समझाया है। उसमें मैंने आपको बताया है कि माइक्रोसॉफ्ट के अलेवन टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में, माइक्रोसॉफ्ट की बहुत ही अमेजिंग और यूजफुल पावरफुल टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। तो चैनल पर जाकर के वीडियो को ज़रूर देखना, बहुत काम आने वाली है। चलिए शुरू करते हैं, सीधी बात, नो बकवास, लेट्स बिगिन। तो आज हम जानने वाले हैं टिप्स नंबर वन के बारे में। टिप्स नंबर वन में क्या है कि हम यहाँ पर अगर कोई भी ऑप्शंस को एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पर, तो उसमें हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ टाइप करना पड़ता है। लाइक जैसे कि मैं यहाँ पर ऊपर का ऑप्शन बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन या किसी भी अदरवाइज ऑप्शन को समझाना चाहूँगा, तो मुझ पर यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स यानी कि कोई टेक्स्ट लिखा हुआ यहाँ पर होना चाहिए। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर रेडीमेड टेक्स्ट को लाने के लिए, रेडीमेड रैंडम पैराग्राफ्स को लाने के लिए एक कमांड होती है जिसका यूज़ करते हैं हम, रैंड कमांड का यूज़ करते हैं, RAND, ओपन ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, नाउ क्लोज ब्रैकेट, और एंटर की बटन प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट रेडीमेड रैंडमली पैराग्राफ आपको बना करके देता है, जिस पर आप ऊपर का प्रैक्टिकल कुछ भी कर सकते हैं, यानी कि इस डेटा पर आप यहाँ से ऑप्शंस में से किसी को प्रैक्टिकल करके यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें मैं आपको समझा दूँ, अगर आप यहाँ पर ओपन ब्रैकेट नाउ क्लोज ब्रैकेट यहाँ पर प्रेस करते हैं, तो ये रैंडमली पैराग्राफ अपने अकॉर्डिंग बना करके देते हैं। और अगर मैं यहाँ पर चाहूँ कि मुझको यहाँ पर तीन पैराग्राफ चाहिए और एक पैराग्राफ में मुझको दो सेंटेंस चाहिए, राइट, जैसे कि यहाँ पर मैं थ्री टाइप करता हूँ और कॉमा लगा करके यहाँ पर अगेन टू टाइप करता हूँ, यहाँ पर ओपन ब्रैकेट करता हूँ क्लोज, तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर मैंने रैंड कमांड दी इसको, और मैंने इसको बताया कि यहाँ पर शुरू की संख्या जो लिखी हुई है तीन, तो तीन का मतलब यहाँ पर ये है कि ये हमको तीन पैराग्राफ देगा और एक पैराग्राफ में टू, लास्ट में मैंने संख्या लिखी है यहाँ पर दो, तो एक पैराग्राफ में दो सेंटेंस आएंगे। मैं एंटर की बटन प्रेस करता हूँ यहाँ पर, तो आप देखेंगे यहाँ पर तीन पैराग्राफ है, यहाँ से वीडियो से लेकर के यहाँ तक एक पैराग्राफ हमारा ये हुआ, और यू कैन से लेकर के यहाँ से अदर्स तक एक पैराग्राफ हमारा ये हुआ, और एक पैराग्राफ फॉर एग्जाम्पल से लेकर के नीचे तक हो गया हमारा पैराग्राफ, ठीक। तो इस टिक में हमने जाना है कि रैंडमली पैराग्राफ किस तरीके से लिए जाते हैं, और इसमें पैराग्राफ को लाने के लिए एक और कमांड होती है यहाँ पर, एक तो कमांड मैंने आपको बताई ये रैंड कमांड होती है, और दूसरी कमांड हमारी यहाँ पर होती है लॉरम, LORM, लॉरम कमांड से हम यहाँ पर पैराग्राफ को ले सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको थ्री पैराग्राफ चाहिए और दो दो सेंटेंस यहाँ बचिए, और एंटर बटन प्रेस करेंगे यहाँ पर इस तरीके से। तो आप यहाँ पर देखो ये रेडीमेड पैराग्राफ आराम करके हमको देते हैं, मगर ये कुछ लैटिन भाषा में, ये इंग्लिश तो सेंटेंस यहाँ पर नहीं है, ये कुछ अदर दूसरी लैंग्वेज में यहाँ पर वो पैराग्राफ को हमको ला करके यहाँ पर देता है, ठीक। तो हमने जाना यहाँ पर रैंडमली पैराग्राफ लाने के लिए रैंड कमांड का यूज़ करते हैं यहाँ पर, और रैंड कमांड का यूज़ करते वक्त आप कितने भी पैराग्राफ्स यहाँ पर ले सकते हैं, तीन पैराग्राफ लोगे तो तीन आएगा, टेन लोगे तो टेन पैराग्राफ भी यहाँ पर आ जाएंगे। इक्वल टू बटन प्रेस करना है बस आपको, RAND टाइप करना है, ओपन ब्रैकेट को स्टार्ट करना है। मैं यहाँ पर टेन पैराग्राफ लूँगा और एक पैराग्राफ के अंदर मुझको तीन तीन सेंटेंस है यहाँ पर 10x3 के, और एंटर बटन मैं प्रेस करूँगा तो यहाँ पर देखेंगे, देखो है ना, यहाँ पर 10 पैराग्राफ्स हमारे आ चुके हैं और एक पैराग्राफ में आपके तीन सेंटेंस अवेलेबल हैं यहाँ पर। तो ये थी आपकी टिक्स नंबर वन, जो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। ये अमेजिंग क्यों है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आपको किसी ऑप्शन के बारे में एक्सप्लेन करना है, तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स में आपका टेक्स्ट होना कंपलसरी है। टेक्स्ट लिखने के बजाय रैंड कमांड का यूज़ करो, तो वो रेडीमेड पैराग्राफ आपको बना करके देता है, उसके बाद में आप उसके ऊपर प्रैक्टिकल करके आप देख सकते हैं। तो ये थी आपकी टिप्स नंबर वन, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स नंबर टू की ओर। टिप्स नंबर टू में क्या है कि अगर हमारे पास यहाँ पर कोई रैंडमली पैराग्राफ है, मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ यहाँ पर पहले ले लेता हूँ, मैंने यहाँ पर पैराग्राफ लिया, ओपन ब्रैकेट नाउ क्लोज ब्रैकेट और एंटर की बटन प्रेस करेंगे, तो पैराग्राफ में यहाँ से अगर आप यहाँ से किसी भी वर्ड को यहाँ से आप रिमूव करते हो, यहाँ से ऐसे ही मुझको यहाँ पर इसको बैक स्पेस करके हम यहाँ से रिमूव करते हैं, यहाँ पर बैक स्पेस की बटन प्रेस करेंगे, तो एक एक करके यहाँ पर यानी कि एक एक
अल्फ़ाबेट यहाँ से रिमूव हो रहा है। तो इस तरीके से अगर आप रिमूव करते तो आपका काफ़ी टाइम जाता है। हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो हमारा पैराग्राफ है ये इसमें से एक एक करके यहाँ पर डिलीट ना करें, यहाँ पर पूरा कंप्लीट, जैसे ये डॉक्यूमेंट्स है उसका आगे योर वर्ड है, उसका आगे फिट्स है, उसका आगे बैट्स है, तो एक एक पूरा वर्ड डिलीट किस तरीके से यहाँ पर रिमूव होता जाए पीछे को। ठीक, तो उसके लिए जो शॉर्टकट कीज़ होती है आप कीबोर्ड से प्रेस करेंगे, बस आपको कर्सर यहाँ पर रखना है और पीछे की ओर इसको रिमूव करना है, तो कंट्रोल की प्रेस करना है, उसके साथ में बैक स्पेस की बटन प्रेस करेंगे, बैक स्पेस की, बैक स्पेस, बैक स्पेस, बैक स्पेस, कंट्रोल के साथ में बैक स्पेस की का यूज़ करना है। और अभी जो आपने जिन वर्ड को रिमूव किया है उनको रिटर्न उसी पोजीशन में लाना चाहते हैं यहाँ पर एक साथ इकट्ठा करके, यहाँ पर जिस तरीके से मैंने पहले डॉक्यूमेंट्स को रिमूव किया उसके बाद मैं योर वर्ड को रिमूव किया, तो एक एक करके जिस तरीके से मैंने रिमूव किया है उसी तरीके से मैं उन वर्ड को लाना चाहता हूँ, तो ऑल्ट के साथ बैक स्पेस की यूज़ करना है आपको, बैक स्पेस, बैक स्पेस, बैक स्पेस, बैक स्पेस, ऑल्ट के साथ में बैक स्पेस। देखिए मैं आपको रिपीट करके फिर अगेन बता रहा हूँ, अगर आपको ये रिमूव करना है पूरा एक एक वर्ड रिमूव करना है तो कंट्रोल के साथ बैक स्पेस की बटन प्रेस करेंगे, कंट्रोल होल्ड कर रहना है और बैक स्पेस, बैक स्पेस, बैक स्पेस, और इन वर्ड को जो आपने रिमूव किया है उनको अगेन रिपीट करना है, वापस लाना है, तो ऑल्ट के साथ में बैक स्पेस, बैक स्पेस, बैक स्पेस यहाँ पर प्रेस करना है आपको। ठीक है, तो ये थी आपकी टिप्स नंबर 2 जो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग थी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स नंबर 3 की ओर। दोस्तों टिप्स नंबर 3 में क्या है कि यहाँ पर अगर आपके पास में काफ़ी बड़ा डॉक्यूमेंट्स पेज है, यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स ले लेता हूँ काफ़ी बड़ा, आर ए डी रैंड ओपन ब्रैकेट, मैं यहाँ से इसको 10.5 का मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, यानी कि 10 पैराग्राफ मुझको चाहिए और एक पैराग्राफ में मुझको 5 सेंटेंस चाहिए यहाँ पर। ठीक, मैं इसको एंटर की बटन प्रेस करूँगा, ठीक एंटर की बटन प्रेस करूँगा। अब इसमें होता क्या है टिप्स नंबर 3 में, बस सवाल ये है कि अगर आपका कर्सर आप पहले पेज पर हो और आपको ये पता नहीं लग पा रहा है, ये आपको ये पता नहीं लग पा रहा है कि आपका डॉक्यूमेंट्स का जो एंडिंग पॉइंट है वो कहाँ पर है, अगर आप ये 2 या 2 से अधिक पेज की फाइल होती तो लास्ट में जाने के लिए आपको माउस से स्क्रॉल करना पड़ता है इस तरीके से, है ना, स्क्रॉल करके वो नीचे जाना पड़ता है, तो इसके लिए शॉर्टकट कीज हम यूज़ करेंगे। सिर्फ आपको कर्सर कहीं पर भी रखना है जहाँ पर अगर आप चाहते हो कि हमको एंड में पहुँचना है, ठीक, तो कर्सर वहाँ पर रखना अपना, कर्सर रखने के बाद शिफ्ट के साथ आपको F5 की बटन प्रेस करना है, शिफ्ट के साथ F5 की बटन प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे आप एंड ऑफ दी डॉक्यूमेंट्स पहुंच जाएंगे, मतलब आपके जो डॉक्यूमेंट्स लास्ट ऑप्शंस पर होगा वह होगा आपका यहाँ पर, ठीक, आपका ये हमारे डॉक्यूमेंट्स का लास्ट ऑप्शन है, बिल्कुल आखिरी हिस्सा नीचे, इसके नीचे कोई भी टैक्स नहीं है। ठीक, शिफ्ट के साथ फिर अगेन F5 बटन प्रेस करेंगे तो स्टार्टिंग पे पहुंचेंगे, शिफ्ट के साथ अगेन F5 बटन प्रेस करेंगे तो एंडिंग पॉइंट पर आएंगे, तो स्टार्टिंग में आने के लिए शिफ्ट के साथ F5 बटन प्रेस करेंगे और ये एंड में जाने के लिए भी शिफ्ट के साथ F5 की बटन का यूज़ करेंगे। तो ये थी आपकी टिप्स नंबर 3 जो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल थी। ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल इसलिए थी कि कभी कभी होता है कि अगर हमारे पास 2 या 2 से अधिक पेज की फाइल है तो अगर हम पहले नंबर के पेज पर हैं, ठीक है, और हमको सडनली लास्ट ऑप्शंस पे जा रहे हैं, यानी कि हमारा डॉक्यूमेंट जहाँ पर ख़त्म है वहाँ पर हमको पहुँचना है, तो शिफ्ट के साथ आप F5 की बटन का यूज़ करेंगे, आप इस की का यूज़ करके स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट पर जा सकते हैं आसानी से। तो आगे बढ़ते हैं हम अपने टिप्स नंबर 4 की ओर। टिप्स नंबर 4 में क्या है कि यहाँ पर अगर मैं कोई भी यहाँ पर रैंडमली पैराग्राफ यहाँ पर ले लेता हूँ, लोरम ले लेता हूँ, LELORM यहाँ पर ओपन ब्रैकेट नाउ क्लोज ब्रैकेट और एंटर की बटन प्रेस करेंगे, मैंने यहाँ पर कुछ रेडीमेड पैराग्राफ यहाँ पर ले लिया है। टिप्स नंबर 4 में यहाँ पर यह है कि अगर मैं नीचे कुछ यहाँ पर टाइप करना चाहूँ तो आप एंटर की बटन प्रेस करके आते हैं नीचे और यहाँ पर टाइप करना शुरू कर देते हैं। अगर मैं यहाँ पर आपसे कहूँ कि अगर आपको यहाँ पर टाइप करना है यहाँ पर तो किस तरीके से बटन प्रेस करेंगे, किसी को अगर पता नहीं होता तो वो क्या करते हैं यहाँ पर स्पेस की का बटन यूज़ करते हैं, स्पेस की का, तब उसके आगे जाते हैं और वहाँ पर जा करके तब यहाँ पर राइट करना वो शुरू करते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको बस माउस से आना है और वहाँ पर जहाँ पर भी आप टाइप करना चाहते हो वहाँ पर आकर के डबल क्लिक बटन प्रेस करेंगे, डबल क्लिक बटन आपको प्रेस करना है कीबोर्ड से और वहाँ पर टाइप करना शुरू कर देना, आपको यहाँ पर टाइप करना है डबल क्लिक करो तो टाइप करना स्टार्ट करो, है कि नहीं अमेजिंग, यहाँ पर टाइप करना डबल क्लिक करो और यहाँ पर टाइप करना स्टार्ट करो। ऐसा होता क्या आपके रूलर में, ऊपर यहाँ पर रूलर में आपको
टैब अनेबल हो जाता है यहाँ से। तो इसकी मदद से आप अपने डॉक्यूमेंट्स में कहीं पर भी डबल क्लिक करना है बस आपको, और वहाँ पर टैक्स लिखना शुरू कर देना है। तो ये टिप्स आपको बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग बनाती है आपके डॉक्यूमेंट्स को। तो ये थी आपके टिप्स नंबर 4। बढ़ते हैं आगे टिप्स नंबर 5 की ओर। दोस्तों टिप्स नंबर 5 में क्या है कि अगर यहाँ पर हम कोई भी वर्ड टाइप करते हैं यहाँ पर, तो उसके नीचे हम यहाँ पर रेड लाइन को शो करते हैं, यहाँ पर देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कुमार लिखा है, या फिर ऊपर भी मैंने यहाँ पर कुछ टैक्स लिखे थे उनके नीचे रेड लाइन्स आ रही है। ये दिक्कत काफ़ी लोगों के सामने आती है, जो काफ़ी ज़्यादा इरिटेट करती है। ये होता कब है कि रेड लाइन का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ग्रामर मिस्टेक को बताना, यानी कि आपने जो स्पेलिंग लिखी है वो ग्रामर के हिसाब से रोंग है, या फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की डिक्शनरी में वो ऐड नहीं है। तो उस वक्त अगर आप चाहते हो कि ये आप जो भी एक्स अगर आप चाहते हो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आप जो भी टाइप करें तो उसके नीचे रेड लाइंस ना आए, तो आप उसको हाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मैंने ये काफ़ी वर्ड देखे हैं, मैं इनके नीचे एक तरीका तो ये होता है कि यहाँ पर इस पर क्लिक करो, राइट क्लिक बटन प्रेस करो, उनको यहाँ से इग्नोर पर क्लिक कर देंगे तब भी हट जाता है, मगर एक एक करके यहाँ पर करोगे तो बहुत ज़्यादा आपका टाइम जाने वाला है। बस इनको हाइड कर देना आपको। किस तरीके से करना है आपको, ओपन आपको फाइल ऑप्शन पर आना है, यहाँ पर आपको मैं यहाँ पर बताऊँ फाइल ऑप्शन आपको यहाँ पर आना है, और नीचे आपको ऑप्शन बटन पर आना है। इस पर जैसे आप आएंगे यहाँ पर, और आपको फिर यहाँ पर प्रूफिंग वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर प्रूफिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और नीचे आने के बाद यहाँ पर ऑप्शंस मिलते हैं आपको। यहाँ पर ये दो ऑप्शन जो मिलते हैं, हाइड स्पेलिंग एरर्स इन दिस डॉक्यूमेंट्स ओनली, हाइड ग्रामर एरर्स इन दिस डॉक्यूमेंट्स ओनली। तो ये इन दोनों ऑप्शन को आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद और आपको नीचे ओके बटन पर क्लिक करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके डॉक्यूमेंट्स यहाँ से रेड लाइन्स रिमूव हो चुके हैं। ये सिर्फ अप्लाई हमने किया है सिर्फ इसी डॉक्यूमेंट्स के लिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लिए हमने अप्लाई नहीं किया पूरा कंप्लीट वगैरह, ठीक। आगे कल आकर के आप कोई दूसरी फाइल बनाएंगे तो उसमें ये रेड लाइन्स दिखाएगा। इसी डॉक्यूमेंट्स के लिए हमने ये चीज़ अप्लाई की है कि सिर्फ इसी डॉक्यूमेंट्स के अंदर रेड लाइन्स ना दिखाए और दूसरे डॉक्यूमेंट्स में वो रेड लाइन्स दिखा दे। अगर आप चाहते हो कि परमानेंटली इसको ऑफ करना है तो सेम उसी ऑप्शन पर जाना है आपको, नीचे फिर ऑप्शन वाले बटन पर आपको क्लिक करना है यहाँ पर, ठीक। यहाँ पर क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ पर प्रूफिंग वाले ऑप्शन पर आना है, ठीक। यहाँ पर प्रूफिंग पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद नीचे आप जब आएंगे यहाँ पर आप देखेंगे इन ऑप्शन को आपको अनचेक कर देना है, मार्क ग्रामर एरर एज यू टाइप, इन जैसे ऑप्शन को आप अनटिक कर देंगे तो फिर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर किसी भी डॉक्यूमेंट में जो कुछ भी टाइप करेंगे तो वो आपको रेड लाइन शो करके नहीं दिखाएगा। तो ये थी दोस्तों आज की माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स। टिप्स पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम लाते रहेंगे आपको लिए इस चैनल पर ढेर सारे टिप्स एंड ट्रिक, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।